हेलो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रहे ग्वार फली की सब्ज़ी। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और उसमें हम जीरा डालेंगे। और थोड़ी सी हींग डालेंगे, 1/4 स्पून जीती। और मैंने ऑलरेडी आलू को काट के रख दिए थे, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने ग्वार फली को भी पहले अच्छे से वॉश करके काट ली थी। अब देखिए, मैंने इसको ढक लगा के पका रही हूँ। आपको इसे 5 मिनट तक तेल में पकाना है आलू को। इनकी हल्की सी ऊपर की परत ब्राउन हो जाए उस तरह से पकाना है। देखिए, मैंने और 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। मैंने प्याज को लंबे लंबे काटे हैं। और ये देखिए, मैंने ग्वार फली अच्छे से काट के वॉश कर ली थी और मैंने ऐड कर ली है। मैंने इसको बड़ा बड़ा ही रखा है, आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। हम इसे अच्छे से थोड़ा तेल में इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं, आलू को थोड़ा पकाने से ये बाद में इसके साथ जल्दी से पक जाएंगे। मैंने इसको 2-3 मिनट तक ढक के पकाया है। अगर हम थोड़ा सा वो ऑयल में पकाते हैं तो हमारी सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। आप देख सकते हैं, आलू को भी मैंने कैसे हल्का ब्राउन करके पकाया है। अगर हम सब साथ में डाल देते हैं तो आलू कच्चे रह जाते हैं, इसलिए आपको इसको 5 मिनट पहले तेल में पका लेना है। ये अब मैं 1/2 चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये 1/4 स्पून हल्दी डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और ग्वार फली की सब्जी आ रही, इस सीजन में ज़्यादा ही आती है राजस्थान में। वैसे तो ये हर जगह मिल जाती है, आप किसी भी स्टेट में रहते हो। अब मैं इसको पानी डाल के थोड़ा सा पकाऊंगी ढक लगा के। मैंने 1/2 ग्लास जितना पानी डाला है और इसे ढक लगा के पकाऊंगी। पाँच मिनट पका देंगे हम इसको। देखिए, ये 5 मिनट हो गए हैं और सारा पानी सोख लिया है, आप देख सकते हैं। हम चेक करेंगे, मैं इसको चेक करूँ पक्का है कि नहीं। थोड़ा गर्म है आलू, तो मैं एक चम्मच की मदद से चेक कर रही हूँ। अभी थोड़ा कच्चा है आलू और ये ग्वार फली भी अभी अच्छे से नहीं पकी है, बहुत ही गर्म है। आप चम्मच की मदद से भी कट लगा के देख सकते हैं पकी है नहीं पकी है। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने
दो चम्मच पानी ऐड कर दिया है। इसे ढक लगा के हम वापस ऐड करेंगे। ये और मैं टमाटर काटे थे वो ऐड कर दे रही हूँ। टमाटर को आपको पीछे से ही ऐड करना है जब आपकी सब्जी पकने वाली हो तब, ताकि ये पूरी तरह गल ना जाए। मैं इसे ढक लगा के 5 मिनट और तक पका लूँगी। देखिए अब हम वापस एक बार चेक कर लेते हैं सब्जी को। ये अब हमारी सब्जी पक चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हमें हरे धनिए से इसको गार्निश कर ली हूँ। ये हमारी गवार फली की सब्जी तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और एक बार इस तरीके से गवार फली की सब्जी बनाकर ज़रूर ट्राई करें।